Praise the Lord, God's morning, है ना, प्रभु की सुबह। आज है 24th December 2021। जी हाँ, ये है क्रिसमस ईव डे, आज का दिन। आज पूरी वैसे पूरी दुनिया में क्रिसमस ज़्यादातर खास तौर से आज मनाया जाता है। क्रिसमस फैमिली प्रोग्राम है, तो एवरी हाउस इंडिविजुअली फेलोशिप करते हैं, लेकिन भारत में थोड़ा अलग है। हम सोचते हैं कि 25 तारीख को ही, और चर्च में भी लोग 25 को ही आते हैं, सो दैट इज़ वॉट वी कीप 25th प्रोग्राम एज ए क्रिसमस। लेकिन विदेशों में बहुत सारी जगहों पर ज़्यादातर जो है क्रिसमस ईव चर्चेज में मनाई जाती है। इट्स नाइट डे, है ना, क्योंकि क्रिसमस ईव नाइट बनाने का कारण यह है कि जब बात हुई थी तो रात में हुई थी, अल सुबह हुई थी, तो अल सुबह मतलब बहुत जल्दी जल्दी सुबह की बात है। तो जब वो होती है तो वो सुबह वो खबर जो फैलती है, फिर 25 तारीख को मतलब रात रात कौन सा सेलिब्रेशन मना था, यानी कि 25 तारीख इट्स सेलिब्रेशन डे, सो दैट इज़ व्हाट 25 को, अगर आप 24 को मनाएं चाहे 25 को मनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर देखिए, आज हमने बहुत अच्छी खूबसूरत जो है सजावट की है, और ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगे। एंड यू नो व्हाट, हेयर थोड़ा मेरे पीछे है क्रिसमस ट्री, ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा। एंड ये सारी चीज़ें इट जस्ट फॉर फन, राइट। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया, उस वीडियो पर मैंने कहा कि क्रिसमस के डे के बारे में, क्रिसमस कभी भी मनाएं। तो किसी ने कहा कि क्रिसमस बाइबल में नहीं लिखा हुआ तो हम क्यों मनाएं। भाई मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ मनाओ, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि अब जब लिखा ही नहीं है तो हम क्यों मनाएं, आप क्यों बोल रहे हो हमें बाइबल में कहाँ लिखा है, लिखा हुआ बता दीजिए कि कहाँ बाइबल में लिखा हो क्रिसमस, तो हम क्रिसमस मनाएं। प्रेरितों के काम उसका 17:24 थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्यों के बनाए हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। तो मेरे प्रियो, आपको चर्च भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि चर्च परमेश्वर ने कहा कि चर्च तो हाथों का बनाया हुआ मंदिर है ना, फिर वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो बाइबल के अनुसार चर्च आप और मैं है, इट्स नॉट अबाउट द बिल्डिंग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और मैं ऐसे लोगों को एक और जवाब देता हूँ, वो जवाब ये, बाइबल में लिखा है कि खतना कराओ, तो कई जगह लोग खतने का बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो अब आप खतना भी कराओ फिर, अगर आप इतने ही लिखे हुए के बारे में दिमाग लगाते हैं, विचार करते हैं, तो मेरे प्रियो सोचिए और समझिए। वी आर नॉट हियर फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स, हम इस बातों के लिए नहीं है। आइए हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 1 वचन में लिखा, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। छोटी बात है क्या? एंड दिस इज व्हाट द रीजन क्राइस्ट केम टू अस, प्रभु हम जब खोए हुए थे तभी हमारे पास आया कि हम परमेश्वर में पाए जाएं, ढूंढे जाएं और उसके बाड़े में पाए जाएं, ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हालेलुया। लिखा आगे, और हम हैं भी संतान, हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। 3 वचन, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। गॉड इज होली, और अब हम भी पवित्र हैं उसके द्वारा से। आगे पढ़ेंगे कुछ और बातों को। Verse 4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है, परंतु जानते हो या क्या तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, यानी कि पापों को हटा ले जाए, दूर ले जाए, हमसे अलग कर दे, और इस उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। पाप हटा भी दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं है, उसने किसी रीति से कोई ऐसी बात नहीं की है। हमारे लिए 5वां वचन देखिए क्या कहता है, परंतु तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हम क्या करें, पाप हम में हो रहा है, हम विश्वास करते हैं। पर विश्वास तो किया आपने, लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर आप पाप करते हो तो आपने अभी तक उसे जाना नहीं, उसे स्वीकार नहीं किया, और उसमें आप अभी तक नहीं है। बहुत गंभीर बात है, इस बात को हल्के में लेना बिल्कुल भी मत लीजिएगा। गंभीर हो जाइए ताकि आप अपने आप को और सारी बातों को परमेश्वर के ग्रहण योग्य सब पहचाने। आगे देखो क्या लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है।
परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। आप कैसे जन्मे हैं? कई बार ऐसी ऐसी चीजें हमारे आमने सामने होती हैं और आप सोचते हो कि पाप और पाप की परिस्थितियां होती रहें, तो फिर क्या करें? बताइए क्या करें? बहुत गंभीर हो जाइए मेरे प्रियो, गंभीर हो जाइए। अभी इन दिनों सब लोग क्रिसमस की तैयारियों के बारे में देख रहे हैं, क्रिसमस कैरल्स एंड सॉन्ग, और वो भी ठीक है, ज़रूरी है, पर मेरे प्रियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी परमेश्वर का वचन है। मजा मस्ती ज़रूरी है और वो कीजिए भी, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर का वचन, आदर और संगति। ये मॉर्निंग डिवोशन हम क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सीखें, परंतु इसलिए कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। इसी से 10वें वचन है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, पर न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं रखते तो भी आप परमेश्वर से नहीं है। भाई कौन है? वो जो आपके पास है, वो नहीं जो सिर्फ आपकी माँ के पेट से जन्मा हो, परंतु वो जो आपके पास है, वो जो आपके संग और साथ है, वो आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके अपने हैं, निज है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान है। अगर आप अपने भाई से लड़ते हो, अपने बहन से लड़ते हो, अपने पड़ोसियों से लड़ते हो, अड़ोसियों से लड़ते हो, जो तो आप किससे लड़ते हो? स्वयं परमेश्वर से लड़ते हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। 11 वचन देखिए, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था। किससे था? दुष्ट से। और उसने अपने भाई को घात किया। कैन ने क्या किया? पीछे से घात किया ना उस पर। और उसे किस कारण घात किया? किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। अब जब बुरे काम थे तभी तो उसे घात किया। और अगर सीधी सीधी बातों के लिए, सीधा मनुष्य जो अगर आप जानते हैं, सीधा व्यक्ति है, वो आपस में चलकर जबरदस्ती बहसबाजी नहीं करता। हमने कुछ दिन पहले जीभ के बारे में सीखा था, है ना? एंड जीभ जो मुंह से निकलता है ना, वो बहुत बड़ी तकलीफें खड़ी करता है। आगे देखेंगे, चलिए। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचते हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। 17 वचन, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? ही से, हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। जैसा कि वचन ने कहा कि अगर हमारे पास संसार का धन भी हो और हम अपने भाई की सुधि ना ले सकें, तो हम कैसे परमेश्वर के स्वभाव और उसके अधिकार में बने रहेंगे? मेरे प्रियो, अपने विश्वास के साथ साथ अपने कर्मों में भी अपने विश्वास को दिखाइए। और जैसा कि अब आगे लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता। अगर हमने कुछ गलत ना किया होता तो हमारा मन हमें दोष ना देता, और अगर आप परमेश्वर का पर, या हमारा मन अगर हमें दोष देता है तो दोष ना दे तो हमारा परमेश्वर के सामने हियाव होता। प्रभु देख, मेरी जानकारी में मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम लिखते हैं ना कभी कभी पेपर्स के नीचे, दिस ऑल इज ट्रू अंडर माई नॉलेज, मेरी नॉलेज में, मेरी जानकारी में ये सब सही है। हम लिखते हैं ना कई सारे फॉर्मों में, और शपथ पत्र बनाते तो वहाँ लिखते हैं, मेरी जानकारी में ये सब कुछ सही, मैं पूरे होश व आवास में लिखता हूँ, एज पर माई नॉलेज, जितनी मेरी जानकारी है उसके अनुसार। आगे देखिए कुछ और बातें लिखा है, यहाँ पर 22 वचन में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह उससे हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मांगते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। हालेलुया।
प्रेम रखना आज्ञा है परमेश्वर की, ये सलाह नहीं है। अगर हो सके तो प्रेम रख लेना, फिर मैं तुम्हारे जो है मैं तुम्हारे साथ फिर भी मैं दया करूंगा। इट्स नॉट सजेशन और इट्स नॉट ऑप्शनल, इट इज कमांडमेंट, ये आज्ञा है। और आज्ञा मतलब इट जस्ट वन शॉट, आप चाहे जो कुछ करो लेकिन वो आज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप उसके अलावा जाते हैं देन यू आर डूइंग मिस्टेक अगेंस्ट द लॉर्ड। 24 वचन, जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि हम में वह बना रहता है, हमें वो बना रहता है। अगर आज्ञाएं मानते हैं तो आप बहुत कुछ मानते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा प्रेम भी है। क्या आपके पास प्रेम है? आओ दुआ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज का ये दिन, आज की बात में प्रभु इनको, इनके पूरे परिवार को तेरी बरकत, तेरी दया, तेरी सामर्थ बहुतायत से मिले। आज्ञा मानने का स्वभाव दे शरीर में, मन में, विचारों में, सब बातों में। वचन की शिक्षा के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु बहुतायत से आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमेन। प्रभु आपके साथ हो। यदि आपके मन में बोझ हो तो विजनरी सेवकाई के लिए आप अपने ऑफरिंग्स मुझे भेज सकते हैं, मेरे नंबर नीचे हैं, ये नंबरों पर अपने ऑफरिंग भेज सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं मेरे सामने भी, अब मुझे काम करना है, मैं प्रभु का सेवक हूँ और मेरी सहायता आप ही करेंगे। आमेन। प्रभु की ओर से प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। संगति करते हैं, कल फिर मिलेंगे, कल क्रिसमस का दिन है, कल सुबह 6 बजे शुरुआत प्रभु के वचन से करेंगे, है ना? जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।